हेलो, मेरा नाम गौरव और मैं आया हूँ आगरा के कोर्टयार्ड मैरिड होटल में, जहाँ पे हमारी बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हो रही है, जिसे हम दिशा ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। हमारे सेफ शॉप में यह बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग है और हम कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को परिवर्तन के लिए एक नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हर रोज़। आज जो कि हमारा दूसरा दिन है, हमारे बहुत सारे साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे गुरुजन साथ में आए हुए हैं, और हम यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे कुछ सृजन कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हम क्या क्या और कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सीख रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं तो उनसे हम जानते हैं, फिर उसके बाद से आगे बात करते हैं कि और वो भी क्या क्या सीखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या और जानने को मिलता है। तो फर्स्ट कौन आता है? नीरज जी फर्स्ट आएंगे, नीरज सर, नीरज जी आएंगे। फर्स्ट पेशकार हाँ सर आएंगे। पेशकार सर, सर हमारे बहुत ही बेहतरीन हमारे सीनियर लीडर हैं। तो पेशकार सर क्या कहना चाहेंगे हाय आप? फ्रेंड्स, मैं पेशकार यादव फ्रॉम यूपी आजमगढ़। मैं सेफ साहब की दिशा ट्रेनिंग देखने के लिए आया और मेरे सीनियर अप्लाई ने ये कह के लाया कि चलिए यहाँ पे आपकी दिशा बदल जाएगी। जी लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग पूरे लाइफ में पढ़ाई के दौरान मुझे कहीं नहीं मिली, वो ट्रेनिंग आज मिली है। और ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है कि यहाँ पे ओनली सेफ साहब नहीं, एक ऐसी अद्भुत ट्रेनिंग मिली है जिसको बोलिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार दिशा ट्रेनिंग लेके देखें। यहाँ पे आपकी दिशा नहीं, पूरी दशा बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, यार ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है दिशा ट्रेनिंग, कि अगर आप अपने ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप कोई भी काम करते हो, लेकिन एक बार ज़रूर दिशा ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आपको ज़िंदगी में समझ में आएगा हम कहाँ पे हैं। ज़रूर आइए आप दिशा ट्रेनिंग में, पता कीजिए अपने सेफ शॉप लीडर से। अगर सेफ शॉप में नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के थ्रू हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कहाँ जैसा ट्रेनिंग हो रही है, तो कांटेक्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे ग्रेट लीडर नीरज जी हैं, तो नीरज जी आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार कुशवाहा है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ और मैं आया हूँ आगरा दिशा ट्रेनिंग में। और यहाँ आकर बहुत बढ़िया लग रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और 3 दिन और 3 4 दिन 3 रात यहाँ पे रहना भी हो होटल में। और होटल आपको रूम अपना दिखाते हैं थोड़ा देर के लिए, एक बार देख लीजिए। मैं ये सब जान लू रहा है। रूम बहुत बेहतरीन है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अभी तक और क्या सीखा आपने दिशा ट्रेनिंग सर से? ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ सीखा गया। भटकाव जो है, हम लोग बहुत से अपने 20 साल हो गए मेरे को भी मार्केट में रहते हुए भी और पढ़ाई के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी लोग भटकाव कर देते हैं। इंटर पढ़े फिर कहते हैं यार आगे क्या पढ़ोगे ये वो, तो बहुत कुछ कोर्स आ जाता है सामने, फिर उसमें भटक जाते हैं। करें क्या करें, फिर कुछ तैयारी करना उसमें भी भटकाव होती है। यहाँ पे भी आए हैं तो इस दिशा ट्रेनिंग में भी बताया गया भटकाव हम लोग सामने आ जाती है जी काम करने में। और भटकाव हमको बहुत देखे सुने और तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 साल भटकाव नहीं की करना सर आपको। एज में 21 साल के 22 साल के हैं नीरज जी, और यह कह रहे हैं कि जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद से हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अब कमाइए, उसके बाद से हम जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा हम स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, और जब हमें अचानक से जब हमारे फैमिली की तरफ से जब हमें प्रेशर दिया जाता है कि हमें अब कमा के पैसा ला के देना है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और बहुत ज़्यादा हम मतलब कि दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो अब क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमने कभी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं किया है और हम डिप्रेशन में रहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ साथ इन्होंने सेफ साहब को ज्वाइन किया है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, शुरुआत किया इन्होंने, और यह पहला दिशा इनका है। कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है सर पहली बार इन्होंने ऐसे होटल में रुके भी है, तो कैसा लग रहा है ऐसे होटल में रुक कर के बहुत आपको? बढ़िया लग रहा है सर, मैं लग धन्यवाद। रहा है
कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया फील बहुत कर रहे बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, इस सारे से कुछ बता नहीं सकते। इसके पहले आप कभी मतलब कि रुके हैं ऐसे होटल में? नहीं सर, ऐसे होटल में रुके नहीं। देखिए पहली बार मतलब गांव के रहने वाले हैं और पहली बार मतलब ऐसे होटल में सेफ सा मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके चली जाती है। एक नीचे मतलब हम लोग बहुत नीचे लेवल पे मतलब जमीन पे रहने वाले लोग, लेकिन सेफ साहब ऐसा कर देती है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल तक जाकर के हम लोग दिशा ट्रेनिंग और बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे नेक्स्ट लीडर नाम है निरंजन जी, तो आइए इनसे सुनते हैं। तो निरंजन जी चलिए उधर थोड़ा सा बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन चौहान है और रहने वाला देवरिया का हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम करने के दौरान ही बिजनेस देखने का मौका मिला और मेरे ग्रेट लीडर गौरव सर के द्वारा मुझे इसको दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, जहाँ बहुत दमदार तरीके से ये ट्रेनिंग अटेंड कराया जा रहा है। कैसे अपने जीवन को इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे अपने जीवन में हर एक चीज़ को हासिल किया जाए, कैसे जीवन जिया जाए, इस सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और अपने लक्ष्य को हासिल करते समय कुछ लोग लक्ष्य के बीच में भटक जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, कुछ लोग लोभी चीज़ आ जाती है जिसको कुछ मन मन लालची होता है और लोभ जाते हैं, दूसरे का लक्ष्य को छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं। इस ट्रेनिंग में ये चीज़ जरूर बताया गया है कि अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं तो लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, इस सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, और जीवन में कैसे अच्छे से अच्छे अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आज के बाद आज मतलब आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा आपने? आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा आपने बताइए, कुछ जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। आज की ट्रेनिंग से हमने सीखा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव हमारे साथ होता रहता है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो अक्सर हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है। इसलिए अक्सर हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और अक्सर हमें बड़ा सोचना चाहिए, अगर हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा पा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं देखा जाए तो हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हमें देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने पे ही डिपेंड करता है सारा कुछ। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा और बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। लोग कहते हैं कि यार क्या हो गया, मैं ऐसे सोचा नहीं था, ऐसे हो गया, लेकिन कहीं कि हमने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो कहीं बोलते ना हमारे हिंदू धर्म में कि दो बार हमारे जुबान पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं, तो कहीं कहीं हमें अच्छा बोलना चाहिए, कब क्या चीज़ बोली हुई सही हो जाए, तो हमें एक बेहतरीन मतलब जो भी चीज़ है जो भी हम बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो। और कहीं ना कहीं आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार रही कि कल्पना शक्ति के बारे में बताया गया, कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, कल्पना सीजन कैसे कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स से उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं हेलो उनके बारे में बताया गया। तो हम चलते हैं। हेलो निरंजन जी आप एक बार बताइए, हाँ इसके पहले बोलो। आपने कभी और दिशा लिया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट दिशा ट्रेनिंग है। तो आपको कैसा फील हो रहा बहुत है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत बिल्कुल अच्छा, फील हो जैसा रहा मैं है। बता नहीं सकता जैसा मेरे साथ फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। निरंजन जी भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हैं और ये बीकॉम थर्ड ईयर से ज्वाइन कर किए हुए हैं। सेफ साहब को अभी स्टार्ट किए इन्होंने और कहीं ना कहीं अभी इनकी स्टार्टिंग है और इन्होंने जो सपना देखा है आपका सपना भी यहाँ साकार होगा। सिर्फ साहब जो कंपनी हमारी है या ऐसी कंपनी, हम इसे कंपनी नहीं कह सकते, जीने का एक पूरा आधार है पूरी तरह से, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी सपना लेकर आता है यहाँ हर एक व्यक्ति का सपना सच होता है। तो आप भी एक बार जरूर आइए, देखिए क्या है और कैसे होता है, बहुत सारे कुछ है मार्केट में, लेकिन एक बार जानिए जरूर इस चीज़ को कि आखिर में डायरेक्शन है क्या। तो नेक्स्ट लीडर की तरफ जाते हैं हम, हमारे बेहतरीन लीडर ये भी स्टूडेंट हैं जिनका नाम है समीर मिश्रा जी। तो आप आइए समीर मिश्रा जी, आप बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम समीर मिश्रा है। अभी मैं यूपी बोर्ड से क्लास 10th में हूँ। अभी मेरा बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो मेरे ग्रेट लीडर सिन्हा मिश्रा जी ने मुझे ये प्लान दिखाया और बोला कि बेटा ये तुम करो, तुम बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। और मैंने ये प्लान लिया। आज मेरा सबसे मेरी लाइफ का सबसे पहला दिशा ट्रेनिंग है, इससे पहले मैंने कोई दिशा ट्रेनिंग नहीं ली थी। और
मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, और आप भी आके देखिए गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार गौरव सर से कांटेक्ट कीजिए, सेफ शॉप में आके देखिए, कि आप प्लान समझिए, आपको बहुत, हमें विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। और जैसा कि आज हम लोग का दूसरा दिन है दिशा ट्रेनिंग का, आज हम लोग ये सीखा कि हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें सबसे बड़ा सोचना है। अगर बड़ा सोचेंगे तो हमारे साथ ही बड़ा ही होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर हमें कहीं भटकना नहीं है, हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें वो हासिल करना है, हासिल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और सर तो ठीक है सर, तो देखिए कहीं ना कहीं आप चेहरे से देख सकते हैं कितने यंग हैं। अभी हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल में अभी 70 साल है, 17 साल के 17 साल के हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कितने यंग हैं। और मेरे लाइफ का बोल दीजिए, आ रहे हैं, बोलिए आ रहे हैं। और गाइस मेरे लाइफ का पहला ट्रेनिंग है, और आप होटल देख सकते हैं, आप होटल में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप मेरा स्वर्ग में आप आ गए हैं। पूरा 5 स्टार होटल है। और कहीं ना कहीं समीर जी हाई स्कूल अभी पढ़ाई कर रहे हैं 17 साल की एज में, और इन्होंने फॉर्म भरा और ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग करने के बाद इनके पिताजी ज्वाइनिंग किए हुए हैं। इनके पिताजी को टाइम नहीं था आने का, लेकिन इन्होंने बोला कि सर हमें करना है, हम चलेंगे। और इनकी ज़िंदगी की पहली ट्रेनिंग है ऐसी। क्या आप 10 तक मतलब कि पढ़ाई करते हुए क्या कभी इन्हें अभी तक ऐसा कोई ट्रेनिंग मिला था आपको? नो सर, ये मेरा पहला ट्रेनिंग है मेरी लाइफ की, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, मुझे मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग लेने में। और आप भी गाइस आके देखिए, आपको भी मज़ा आएगा, और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। ऐसी ट्रेनिंग 10 तक पढ़ाई करने के बाद, ये तो 10 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद ही मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इतना बेहतरीन ट्रेनिंग मुझे, मैं 10 में हुआ, मुझे ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लीडर्स का मेरा धन्यवाद। कहीं ना कहीं सच में बहुत ज्यादा लकी हैं कि अभी 17 साल की एज में इनको ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू सर, सभी का थैंक यू। क्योंकि जब 17 साल की एज में है, 3 से 4 साल अगर टाइम देते हैं, तो जिस एज में लोग 21 साल 22 साल की एज में लोग निकलते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और निकलते हैं लोग फॉर्म भरने के लिए, तो इनके पास जरूर मैं चाहूंगा मर्सिडीज BMW तो जरूर हो। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद मेरे को बना रहे। थैंक यू सो मच आपका। तो सर है वहाँ पे, चलो जाए तो आइए हम बुलाते हैं इन लोगों को। लेते आइए मास्क को, चलते हम नेक्स्ट। आप देख सकते हैं होटल का गलियारा है, पूरा होटल की गली है। हाँ जी जी सर, फेसबुक लाइव है हम लोग, फेसबुक लाइव सर जी, तो फेसबुक पे हैं। चलिए बढ़िया है। श्रीनाथ मिश्रा सर, मिस्टर श्रीनाथ मिश्रा जी हमारे गुरु जी हैं, जो कहीं ना कहीं हम साथ में आए हुए हैं इनके, इन्होंने मुझे लेकर के आया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फील्ड में भी हम लोग बहुत मिलकर के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। और सर अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हुए हैं, तो सर कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। कितना हूँ बताया जाए ऊपर में जी। आज इस ऐसो आराम लग्जरियस जीवन कैसे लोग, धनी लोग जीते हैं, यहाँ आने के बाद ही दशा और दिशा दोनों बदली है। यहाँ आने के बाद ही लगा कि नहीं जीवन कैसे जिया जाता है। उसके पूर्व क्या था? जीवन तो चल रहा था जी। यहाँ आने के बाद ही कुछ क्लियरेंस हुआ कि मानव तन मिला है तो क्यों मिला है, इसको कैसे करना है, केवल लग के करना है कि काम करना है कि जुड़ के करना है कि या जीवन जीने के लिए करना है। यहाँ उस लिए देखा जाए
बड़े अपलाइनों का दर्शन पाना, वही खरगोश का देखना, और जो भी खरगोश को देख लिया वो दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा, तब तक दौड़ेगा जब तक वो खरगोश को पा नहीं। और यार खरगोश डायमंड है, डायमंड के लक्ष्य को हम तब तक लेते रहेंगे, तब तक जब तक वो मिल नहीं जाए। खरगोश मतलब कि डायमंड बनना, अगर जो डायमंड को देख लिया डायमंड की लाइफ कैसी होती है, तो वाकई में बता रहे हैं, सुनना और देखना दोनों अलग अलग बात है भाई। ठीक है, अगर डायमंड बनना है तो दिशा में आना है, और कितनी बार आना है, 4 बार कम से कम तो आना ही है, 4 बार आएंगे तो छप्पा लग ही जाएगा दिशा में। सेम जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा तो लिया लेकिन व्यक्त नहीं कर पाएगा, सेम दशा ELDP ट्रेनिंग की है कि इसको कितना हो व्यक्त किया जाए लेकिन हम गूंगे व्यक्त हो जाते हैं, फील्ड में जा करके उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है कि गूंगे व्यक्ति ही अंदर रस ही भावे, वो मीठा फल खा करके बता नहीं पाएगा कितना मीठा है, वो कैसा है, सही है, गूंगा है बेचारा, बता ही नहीं पाएगा। यही हालत हमारी आपकी होती है, सही बात है, फील्ड में जा करके वही होती है, जो गूंगे रस मीठे रस को अंदर रस ही भावे, व्यक्त नहीं कर पाएगा वो, क्या व्यक्त करेगा, कितना व्यक्त करेगा, क्या बताएगा, खाना बताएगा, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया, सही है, क्योंकि हम लोग बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया, हमें पास शब्द नहीं है बताने के लिए, कोई शब्द नहीं है, मिल रहा है। सेम प्रोसेस वही है कि एक गूंगा व्यक्ति जैसे कोई चीज खा करके और अंदर ही उसको फीलिंग को जान सकता है, किसी को व्यक्त नहीं कर पाएगा। सेम प्रोसेस एक फील्ड वर्कर की भी होती है कि हम फील्ड में जाते हैं, कहते अच्छा बढ़िया रह लो, चला ठीक, कहाँ रह लो, होटल रह लो, कितना बखान किया जाए। सही है, वो वही जान पाएगा जो यहाँ पाया हुआ, वही जान पाएगा, वही समझ पाएगा। हाँ, एक बार आ करके दोबारा नहीं आया तो उसको लगेगा कि अरे यार गलती किया, मिस किया, और जो एक बार भी नहीं आया उसको क्या मालूम। अच्छा, एक बार आ गया दोबारा उसको बताना नहीं पड़ेगा कि कब चलना है, वो तो बस पूछ रहा है कब चलना है, बताइए। आज एक बार, एक दिन की बात करें तो कम से कम इस होटल का 15,000 से 16,000 रुपया है एक दिन, और एक राइट जो फैसिलिटी हम लोग को मिल रही है। आज वही 4 दिन 3 रात 6200 रुपया, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 4 दिन 3 रात और रहना हो तो 6200 रुपया एक देने के लिए और तैयारी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ 6-4 दिन 8 दिन रहा जाए, जी 6 रात रहा जाए, 62 रुपया और दिया जाए, और दिया जाए, बिल्कुल। यहाँ से जाने की किसी की कोई इच्छा नहीं, इच्छा नहीं है, हम 4 दिन के लिए 62 रुपया यहाँ दे करके बड़े आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बसरते अपलाइन का वैसा सौभाग्य मिले, मिले तब सौभाग्य मिले, हम तो पर डे आने के लिए तैयार हैं, ऐसे 62 रुपया खोने के लिए नहीं, खोया नहीं जा रहा, यहाँ से बहुत कुछ पाया जा रहा है। और यहाँ वही है जैसा पांडे जी ने कहा कि केवल 4 दिशा ट्रेनिंग हमें उस 40 साल के नौकरी के बराबर इनकम दे सकती है, वो भी 1 क्लास की नौकरी, 12,000, 14,000, 15,000 वाली नौकरी नहीं, जो 40 साल जो नौकरी में कमा रहा है वह यहाँ हम 4 दिशा को लेकर के और उस पैसे को पूरा कमा सकते हैं, एकदम, यानी 40 साल बनाम 4 साल, 4 साल जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा उसकी बात, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। और जो व्यक्ति आएगा वही समझ पाएगा, क्योंकि हम कितना भी बता दें लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, वो तो महसूस करके ही आदमी समझ सकता है, बातें सुन के नहीं समझ सकता व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं एक और लीडर्स है हमारी, हम लोग टीम में आई हुई है प्रियंका जी, नहीं तो आपको कौन, आप इधर आइए, आइए इधर आइए। तो हमारी एक और लीडर्स हैं जो साथ में आई हुई हैं अपने चाचा जी के साथ, मामा भांजी आप उनकी हैं, मामा जी साथ, जो पेस्का जी को आपने देखा था उनकी ये भांजी हैं, प्रियंका यादव जी हैं। तो प्रियंका जी कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके, तो और बताइए आप बारे में कैसा क्या मिला, कैसा क्या हुआ सब।
आई मीन मैं पहली बार इतने बड़े होटल में आई हूँ और यहाँ पे मुझे आके काफ़ी अच्छा लगा है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बार बार ऐसे होटल में आए और इसके लिए हमें सेफ साथ ज्वाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि और कहीं हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और हम चाहे कितनी बड़ी जॉब कर ले शायद मौका नहीं मिलेगा लेकिन बस सेफ साथ में रहेंगे तो शायद हमें मिल जाए। सही है। और ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? ट्रेनिंग में एक चीज जो बोले हैं यू थिंक पॉजिटिव देन यू विल लाइफ एनी प्रॉब्लम यू विल विन आल्सो एनी प्रॉब्लम। बट सही बोले हैं वो जो भी बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बस आज यही मिला है कि हमें लाइफ बेसिक पे ही काम करना है, पॉजिटिव सोचना है और वही करना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। इतना बड़ा घुमाने का क्या है, सीधे सीधे अगर सोचना है तो बड़ा ही सोचे, क्यों हम छोटा सोचे तो बड़ा सोचे। और इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि बस पॉजिटिव जो सोच रहे उसे करो और सिर्फ वो सेफ शॉप से ही होगा। बिल्कुल। वैसे आप करती क्या है? मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। नेम प्रियंका यादव जी, फ्रॉम आजमगढ़। आजमगढ़ की रहने वाली हैं और 12 में पढ़ती हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी 12वीं में ही हूँ। बताइए कितनी ज्यादा लकी है लोग, मतलब 11 12 10 में लोग पढ़ने वाले लोग कितनी ज्यादा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। जहाँ तक हम लोग को तो ये सब पता भी नहीं था उस टाइम पे। हम लोग खोजा करते थे अपने मतलब स्टूडेंट लाइफ में खोजा करते थे कुछ ऐसी चीजें मिल जाए एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। लेकिन आज देखिए कितनी ज्यादा लकी है लोग कि मतलब अभी 12 में पढ़ते हैं लोग, एक समीर जी 10 में पढ़ते हैं और उनको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो सोच सकते हैं मतलब कि 2-3 साल 4 साल में लोग कितने बड़े मुकाम तक जा सकते हैं लोग जिस टाइम पे। जब सब लोग सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे तब तक तो हम लोग जॉब करके कुछ कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लेंगे और जब तक ये लोग सोचते हैं पढ़ाई करने के बाद ये करेंगे वो करेंगे तब तक तो हम लोग पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब बहुत सारे लोग 25 साल के एज में 30 साल के एज में लोग देखते हैं फॉर्म भरते हैं और जॉब के लिए दौड़ते हैं तैयारियां करते रहते हैं मतलब कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे। बताइए अपने पेरेंट्स के पैसे से लोग मतलब बहुत सारे लोग मतलब कि फॉर्म भरते रहते हैं पढ़ाइयां करते रहते हैं। लेकिन अभी ये इंटर में है और सोच सकते हैं आप लोग कि मतलब कि 3 साल 2.5 साल 3 साल बाद इनके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर टिकिए रह गए लोग तो। क्योंकि बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है टिके रहने का। क्योंकि आपको बहुत कुछ डायरेक्ट सेलिंग देती है लेकिन जो व्यक्ति टिकता है उसके लिए अगर आप कुछ क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम आगे शॉर्टकट है लेकिन ये ऑलरेडी शॉर्टकट बना के रखा गया उसमें भी लोग सोचते हैं हमको शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन भाई जो भी बना के रखा गया 3-4 साल आप देंगे जब पेशेंस फुली देंगे और उसको काम करते हुए देंगे तो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। और इतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देती है कि वो कहीं भी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रियंका जी और ट्रेनिंग में आपको क्या और अच्छा लगा? आपको ट्रेनिंग में मुझे सब कुछ अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हम लोग अगर किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारा इतना कांटेक्ट नहीं होगा, इतने बड़े बड़े लोगों से हमारा रिलेशन नहीं होगा। और यहाँ पे है हमारा ऐसे ऐसे लोगों से रिलेशन है जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत मेहनत करेंगे तब जाके कोई जॉब मिलेगी। जी जी। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पढ़ना थोड़ा, कोई इंटर का पेपर थोड़ा देना कि हम लोग डर रहे हैं, एग्जाम देना है। क्या गारंटी है आपको जॉब मिल जाएगा? 100% गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कब तक मिल सकती है पढ़ाई के? अभी बीकॉम आप कर रहे हैं, बीकॉम के कितने साल बाद आप जॉब कर सकती हैं? मैं बीकॉम नहीं कर रही हूँ अपना लो बीकॉम। अच्छा इंटर कर रही है? इंटर कर रही है। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादा मैं देख रही हूँ ज्यादातर टैलेंटेड लोग जो है पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कोई पॉलिटेक्निक करके तो कोई एमबीबीएस करके यही बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से मिल के देख रही हूँ मैं। हम आपसे प्रियंका जी जानना चाहेंगे कि यहाँ आपने किया क्या है? किया है मैंने कुछ नहीं किया है अभी तो, अभी मैं फर्स्ट आई हूँ। नहीं जैसे आपको यहाँ करना क्या है? मैं आपकी फीलिंग पहले से जानना चाहूँगा कि यहाँ आपने आई कैसी, इस सिस्टम में कैसे आपका इस सिस्टम कैसे आपको मिला? ये सिस्टम मुझे सीना सर के द्वारा मिला है और उसके बाद मेरी मामा जी हैं। नहीं आपने किया क्या है यहाँ से, क्या की है, करना क्या है? करना है वही तो आप कर रहे हैं। ये आप क्यों सेफ साप में करना क्या है? हमें करना क्या है, सिर्फ एक बार सोच लेना है कि हमें डायमंड बनना है
और मतलब जैसे तो हम लोग कहीं अगर ट्रेन में भी चढ़ रहे तो हम लोग सोचते हैं हमें आगरा उतरना है जाके, तो जस्ट वही सोचना है यहाँ पे हमें डायमंड बनना है। अगर ट्रेन में चढ़ गए पता ही नहीं कहाँ जाना है तो चलते जाएंगे, जस्ट लाइफ वही चल रही है, सबकी लाइफ में वही चलता है, चलते जाते। बट यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमें रुकना है और उसका टाइम है 4 साल 5 साल, आपके पास इतना सारा टाइम है। मेरे पूछने का सारांश ये है कि आपको सेफ साफ में शुरू शुरू में आने के लिए करना क्या हुआ? सिर्फ एक बार खरीदारी जो हम लोग हमेशा करते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ यदि आप सेफ साफ में खरीदारी नहीं करेंगी तो कहीं से कर रही हैं कि नहीं करेंगी? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या एक खरीदारी जो मार्केट की जो भी पैसा जा रहा है सब मार्केट में जा रहा है, वहाँ से हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यदि यहाँ से एक खरीदारी करने से और यहाँ सिस्टम में आ करके लग करके इस दिशा ट्रेनिंग में आने का आपको मौका मिला तो बताइए आपकी खरीदारी सस्ती पड़ी या महंगी पड़ी? सस्ती पड़ी है सर। कितना सस्ती पड़ी है? बहुत सस्ती पड़ी है, इससे सस्ती शॉपिंग कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल देखा जाए तो यह तो हमारी सस्ती शॉपिंग पड़ी, अब यहाँ से हम कमा कितना सकते हैं अगर लगे रहे टिके रहे तो? उसका उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कितना कितने जन्म हम कमाएंगे कि इस सेब साहब की पूरी कमाई 4 साल की हम कितने जन्म मेहनत करेंगे तो कमाना पड़ेगा। जन्म हमारे लिए तो यही जन्म बहुत है सर, यही जन्म बहुत है। अगले जन्म में आने यदि एक डायमंड बनता है तो उसकी कमाई कितनी होती है सर? पांडे जी आप बताइए, एक डायमंड बनते बनते नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर हम पुराने प्लान से देखें तो लगभग 50 लाख है, लेकिन अगर हम नए प्लान से देखें तो इनकम करोड़ों में जाती है। और करोड़ों कमाने के लिए अगर हम 4 साल में करोड़ों कमाते हैं तो कमाने के लिए हमें कई जन्म लेना पड़ेगा, केवल 4 साल की बता रहा हूँ। नए प्लान से करोड़ों रुपए आते हैं केवल 4 साल में आ जाएंगे, समझे? बिलीव हो रहा है? 1 करोड़ तो ये आ गया, 1 करोड़ तो ऐसे आ गया। और 5वें साल आपकी कमाई क्या होगी? सीधे डबल होगी। 5वें साल अब 40 साल बनाम 4 साल और 4 साल बनाम 1 साल। अब आप जोड़ लीजिए कि आपके पूरे जीवन में सेब साहब की कमाई को करने के लिए जन्म कितना लेना होगा? कितना लेना होगा सोच लीजिए। 40 साल आप काम करते हैं सेब साहब में, 4 साल करते हैं, वो तो 1 जन्म का बराबर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले साल सेम प्रोसेस वही, 4 साल बनाम 1 साल। बना अब आप जोड़ते रहिए, कितना जन्म लेना होगा? एक साल का एक जन्म, एक साल कितने बार बीएड करना होगा, कितने बार एलटी क्या करना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कोई भी और ना ही कोई मोटी मोटी कितनी नौकरी करेंगे सेब साहब की 1 जन्म की कमाई आप पा सकते हैं। 2 बजे उठ के रात को पढ़ना है। सोच लीजिए कितनी बढ़िया पॉजिटिव है ना, रात को उठ के पढ़ना है, आराम से ना कुछ करना, आराम से बस काम करवाना है, अप्लाई को पकड़ लेना, ऐसे पकड़ करके अप्लाई को लेके बस चलते जाना, काम आपका होता रहेगा, बस समझ पा रहे आप लोग? ठीक है, अद्भुत अद्भुत है जो एक शॉपिंग दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक शॉपिंग और लोगों से मिलना है, और कहीं ना कहीं लोग खरीदारी कर रहे हैं, कहीं मार्केट में आप लोग खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, नया है, नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदारी करते हुए खरीदारी करने में क्या चला जाता है मुझे समझ नहीं आता है। यदि लाखों रुपए कमाई हो रही है तो वह कमाई कहीं न कहीं मार्केट में ही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ साहब एक सुरक्षित दुकान है जो ब्रांड के कुछ गिने चुने ब्रांड की जो दिग्गज कंपनियां उसे टाई अप होने की वजह से जीवन में एक बार परचेज करते हैं। आपके पास लिस्ट होती है, लिस्ट पे काम होता है। अपने लोगों से मिलना है, जबकि आप खरीदारी भी कर रहे हैं अपने लोगों को बता भी रहे हैं, यहाँ बताते हैं तो वही 40 साल बनाम 4 साल का रेशियो चलता रहता है। और वहाँ भी आप खरीदारी करके जीवन भर कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त कुछ नहीं होगा, 1 रुपया तक नहीं प्राप्त होता है। अब तक अगर कुछ प्राप्त हुआ हो तो बताएं कि कुछ मिला, जबकि देखा जाए तो आप वहाँ खरीदारी भी कर रहे हैं बता भी रहे हैं। जी जी। किसी डॉक्टर, किसी दुकानदार, किसी प्रोफेसर, सबको विज्ञापन हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। यही काम यदि हम यहाँ 2 से 3 साल कर लिए तो पक्का है कि सिस्टम के
वह अचीवर बन सकते हैं। और बात करें सुरक्षा की, तो आज एक साल हुआ और एक साल में ऐसा लग रहा है कि जीवन सुरक्षित होएगा। अब न रहने पर भी इनकम तो घर में जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो एक साल कर लिया जाए, अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया जाए। वह एक यही इंडस्ट्री, एकलौती इंडस्ट्री है जो हमारे जीवन को सुरक्षित कर देती है। मात्र इसको हम दो दिन में भी अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, दो साल में भी कर सकते हैं, दो महीने में भी कर सकते हैं, चाहे तो हम दो घंटे में भी कर सकते हैं। केवल कंधों से कंधों मिला करके ऐसे बब्बर शेरों को एक बार वन वन वन, जैसे ईश्वर ने दो पैर दिए हैं, दोनों पैर से काम हो तो इनकम तो आनी है और लाइफ टाइम आनी है। लाइफ टाइम की बात करें का एक खरीदारी काम करना, एक विज्ञापन काम कर देना, कुछ दिन काम कर देना, अपने तीन पीढ़ियों को सुरक्षित कर देना है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। और सिस्टम में लग करके दमदारी से काम करना है। आप सोच सकते हैं कितना दमदार सिस्टम है, मतलब कोई भी बचा नहीं है। स्टूडेंट हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे लेडीज हो, या भी कोई बच्चा भी, देखिए बच्चा डायमंड, छोटा बच्चा डायमंड, बोलो अपना क्या वैभव डायमंड आया, वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए। सोच आओ, बोलो बाबू, आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर, सबको नहीं ला रही, उसको नहीं आ, आओ बोलो अपना अपना बोलो, जो सुनीत सर बोले उसको बोलो। प्रियंका के बारे में कि प्रियंका के मामा जी पहले सोच रहे थे ट्रेनिंग में लेके जाए कि नहीं जाए। हाँ, जब हमें बोले थे तब खेत में गेहूँ काट रहे थे। लेकिन प्रियंका जी लड़के आए कि नहीं, हमें भी चलना है ट्रेनिंग में, हम भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है कि ट्रेनिंग में आपको मिलेगा क्या। मीटिंग में प्रियंका के ऐसी लीडर है कि वो खुद बोले सर मैं भी जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। अभी न्यू ज्वाइनर है वो, अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है। तो बाबू जाने का मन कर रहा है कि नहीं? तुम जाओगे? हाँ नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बढ़िया लगा। यहाँ क्या बनोगे? तुम्हारा नाम सूजी सर क्या रखे हैं? तो सीधा बोलो, सीधा बोलो, क्या बोलो? तेज बोलो, पूरा मुट्ठी, पूरा दिखा करके, दिखा करके, थम दिखाओ, थम, ठीक से बोलो यार, उधर से बोलो। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये कब डायमंड बन जाएगा? चेहरा दिखाइए, जब हम लोग स्कूल जाते तब तक ये डायमंड बन जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा एकदम से एंजॉय के साथ काम किया जा रहा है, मजे में एकदम से। और पूरे भारत देश से लोग आए हुए हैं। और अगर आप लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं तो कम से कम इमेज बनाने के लिए तो आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इमेज तो बनती, या तो हम लोग कोई एक्टर हो या फिर ये नरेंद्र मोदी की तरह बने, तभी तो इमेज बनेगी। बट यहाँ पे बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक बार डायमंड बने, इमेज बनेगी, आपको जानेंगे सब लोग, इतिहास रच दोगे। और बाकी कहीं ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर पुलिस में ही हो तो भाई कोई कांड किए तब जाके फेमस हो गए, है कि नहीं? सब किसी को सूट किए या फिर किसी को पकड़े, बट उसमें भी तो चांस बाई चांस मिलता है। यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री क्रिएट करने का है, पूरा आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मौका है। हो गया उनका, हो गया। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें सुना। और तो कहीं ना कहीं गुरु लोगों का आशीर्वाद है जो हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। हमारे श्रीनाथ सर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन सपोर्ट है कि मैं बता नहीं सकता कि इतना, मतलब कि हम अभी सोचते हैं कि उससे पहले हमारा अपलाइन पहुंच जाता है, हमें जो भी चीज़ों की कमी होती है हमें वो बिना कहे मिल जाता है, बिना कहे हमारी पूरी हो जाती चीज़ें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें, मतलब कि हमें कहीं भी भटकने तक का भी मौका नहीं मिलता है कि हम अगर कहीं भटक भी रहे हैं तो अपलाइन
तुरंत भाव लेता है कि भाई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व कर देता है। जैसे होता है ना कि बीमारी पनपने से पहले ही बीमारी को ख़त्म कर देना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, और यह इंडिया के लिए बहुत ही अभी नया नहीं है, कहें तो 20-22 साल हो गया इंडिया में, लेकिन जो डायट सेलिंग बिजनेस है 100 साल पुराना बिजनेस है, यह आज का बिजनेस नहीं है, लेकिन इंडिया में लोग अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन और दोबारा लगता है तो आपकी मजबूरी बन जाती है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर डायरेक्ट सेलिंग मजबूरी बन जाती है तो उससे बेहतर है कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लिया जाए। अगर कुछ आपके जिंदगी में अच्छा हो रहा है तो उसी टाइम जरूरी है एक अच्छा चीज कर लेना। अगर आप परेशान रहेंगे, मजबूरी में फंसे रहेंगे तो कैसे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आज ही जरूरत है आपको करने की। लेकिन जिस दिन अगर भगवान का कुछ ऐसा होता है, अगर समय खराब होता है आपका, तो फिर क्या कुआं खोदेंगे उस टाइम पे? तब जाके प्यास लगेगी, तब जाके तुरंत कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे। आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं आप, मतलब कि प्यास लगी आप कुआं खोदने जाएंगे, बेचारे प्यास में तरह तरह मर जाएंगे आप। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें, हमारे सेफ साहब को ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन करें, इंडिया की बहुत ही बेहतरीन सिस्टम को ज्वाइन करें, और सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन अपलाइन सिनाज मिश्रा सर को ज्वाइन करें, हमारे डायरेक्टर सुजीत सर को ज्वाइन करें, जो कि प्रोफेसर हैं, LLB भी किए हुए हैं, बहुत बेहतरीन हमारे अपलाइन है। घनश्याम सर हमारे PSC के लेवल में है, PSC से निकले हुए हैं, माननीय महागुरु।